बिजनौर पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत चार शातिर अंतर्राज्यीय लुटेरों को अवैध शस्त्रों व घटना में प्रयुक्त चोरी की दो मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए चारों शातिर अंतर्राज्यीय लुटेरों द्वारा 11 दिसंबर को सराफा व्यापारी के साथ लूट का प्रयास किया गया था, जिसमें व्यापारी की जांघ में गोली भी लगी थी। एसपी ग्रामीण राम अर्चु द्वारा प्रेस वार्ता कर इस घटना का खुलासा किया गया। आपको बताते चलें कि बिजनौर के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के ग्राम सादीपुर निवासी भोलेनाथ वर्मा बरूकी स्थित अपनी ज्वेलर की दुकान बंद करके बाइक से अपने घर लौट रहे थे कि तभी सादीपुर की पुलिया के पास हाईवे पर अपाचे मोटरसाइकिल सवार दो अज्ञात बदमाशों द्वारा उनके साथ लूट का प्रयास किया गया। विरोध करने पर बदमाशों ने व्यापारी पर गोली चला दी और गोली व्यापारी की जांघ में लगने से वह घायल हो गए। घटना के शीघ्र अनावरण के लिए स्वाट सर्विलांस व थाना कोतवाली देहात पुलिस को एसपी द्वारा निर्देशित किया गया। 11 दिसंबर को भोलेनाथ वर्मा, जो सादीपुर के रहने वाले हैं, बरुकी में जिनकी ज्वेलर्स की दुकान है, अपनी दुकान बंद करके घर को जा रहे थे। सायंकाल करीब 5 बजे उनके साथ जो है दो बदमाशों ने जो है उनका थैला छीनने का प्रयास किया। उस छीना झपटी में उनके बदमाशों द्वारा फायर किया गया, जो उनके पैर में जान पे लगी। इस संबंध में थाना कोतवाली देहात पे लूट के प्रयास का मुकदमा दर्ज हुआ था। इसकी विवेचना की गई थी। इसमें विवेचना के दौरान चार लोगों का नाम प्रकाश में आया था, संजू सैनी, हेमंद उर्फ गोली उर्फ अनुज, भोला और टीटू और रिकुल का। इस पे हमारी पुलिस टीमें लगातार काम कर रही थी। कल सायंकाल ये लोग पुनः जो है पुगरावाला में नेपाल सिंह की ट्यूबवेल के पास लूट की योजना बना रहे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने वहां दबिश दिया। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।